जसेट रहे ना यार, अब तक ये फील हुआ है कि थोड़ा डिक्लाइन है। ये भी देखो जरूरी है, नया एक्सपीरियंस है। खतरनाक वेव्स आ रही है, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो पीछे रह गए। और ये देखो भाई, एक ही अभी देखो आप उस साइड, ये इतना फॉर्मल लग रहा है, लगभग पहुंचने वाला हूं अभी। ये देखो वेलकम टू भाई न्यू ब्लॉग और एनाटोजी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। भाई ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो भाइयों फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था, फिगर एट पुल्स काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, ट्रैकिंग काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है, सब कुछ रास्ते में बताऊंगा चलते चलते। और ये है गरवरा फार्म, इससे आगे ट्रैकिंग शुरू है। यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं सभी और सारा सामान ले लेते हैं, बैग वगैरह ले लेते हैं और फिर चलते हैं ट्रैकिंग के लिए। और भाई ये देखो, ये कुछ ऐसे ट्रैक है यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ ये ट्रैक है मतलब थोड़े सोयल वाले मिट्टी मतलब कच्चे ट्रैक हैं। आगे जाके आएंगे रॉक्स वगैरह, आगे जाके और भी खतरनाक होते जाएगा जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे। और यहाँ पे ना मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी कभी भी आ जाए, इसको पहले देख के आना होता है किस दिन हाई टाइड है किस दिन लो टाइड है। जिस दिन लो टाइड है उस दिन ही आना होता है यहाँ पे, क्योंकि कई बार जो फिगर एट पुल्स है ना वो यार अपने आप मतलब नेचुरली बने हुए हैं, और उनमें ना हाई वेव्स की वजह से वहाँ पे कई बार जैसे जो पानी होता है ना वो बहुत तेज वेव्स आती है तो बाहर फेंक देता है बंदों को, बंदे होते हैं जैसे अंदर। और ये देखो भाई पूरा जंगल, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया था, जैसे पर पर्सन 2 लीटर तो पानी होना चाहिए, और ठीक है साथ में अपना जैसे ये हैट वगैरह जैसे भाई ले रहे, देखो भाई ये कैप, अपनी कैप होनी चाहिए, अपने साथ में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, और 3-4 के ग्रुप में ही आओ, और एक एमरजेंसी प्लस ऐप है वो डाउनलोड करके आओ। और ये देखो थोड़ा डिफरेंट, तो एमरजेंसी प्लस ऐप डाउनलोड करके आओ, 000 सीधा डायल हो जाता है वहाँ से अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई बार यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आता। फिलहाल तो आ रहा, आगे जाके देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। और भाई जैसे ट्रैक है ना यार, अब तक ये फील हुआ है कि थोड़ा डिक्लाइन है, आगे भी देखो, तो इसका मतलब वापिस आते हुए ज़्यादा जोर लगेगा और ज़्यादा दिक्कत होगी। SOS हो चुके भाई, देखो भाई मैं जैसे बता रहा था एमरजेंसी प्लस ऐप, इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और जैसे हम टाइमली आए, क्योंकि ट्रैक में आने जाने के 4 घंटे, वन साइडेड 2 घंटे हो गए, तो ऐसे टाइमली आओ और टाइमली जाओ, और आगे जाके भी इंजॉय कर सकोगे। अगर लेट आओगे तो यार यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना ये 6 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। वैसे बताया कि 2 किलोमीटर, दो घंटे लगेंगे 6 किलोमीटर कवर करने में, पर देखते हैं हमें कितने लगते हैं। और इन्हें तो मिलागा, नहीं नहीं हेलीकॉप्टर नहीं, इनकी मैनेजमेंट है जो इसकी रॉयल नेशनल पार्क की। सर्च किया आपने? सर्च किया ब्रो। नहीं एक ऑप्शन ये है ना एमरजेंसी प्लस ऐप डाउनलोड करके आओ यहाँ पे, उससे होता है ऑप्शन। तूने की है? मैंने की हुई है ब्रो। लेट्स गो, पुश क्यों कर रहा है? चलने दे, तेज चलाएगा सिस्टम। तेज नहीं, तेज चलने दे। देखो भाई कितना स्टीप है, एक बार गए बस फिर नीचे ही मिलोगे सीधे, पाताल लोक में है, पाताल लोक में मिलोगे फिर सीधे। की हो जाता है ये मुंडा चली जाता है, देखो कोतसा बाप होया मुरे, टोपी टुपी लाई हुई है, नाले बैग बिच ड्रिंक पाई हुई है। वो देख वो मुंडा आ गया पीछे, मतलब देखो भाई उस साइड ये रोक वगैरह सारी क्रॉस करनी है। आगे देखो भाई मजा आएगा, ब्लॉग में बने रहो। और भाई चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, अब तक सिर्फ 40% ऑडियंस ने सब्सक्राइब किया हुआ, मैं चेक कर रहा था कल। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आगे आते रहेंगे। और देखो भाई समुंदर, अपना बिजनेस जो भी काम कर रहे हो वो चीज़ें अलग जगह है यार, एक्सप्लोर करो जो जिस भी कंट्री में हो आप,
कहीं भी हो एक्सप्लोर करो चीजें। ये भाई देखो ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी, एक साइड ओशियन, एक साइड माउंटेन, इस साइड फॉरेस्ट, इस साइड कोस्ट साफ। और ये देखो मैप लगाए हुए हैं डायरेक्शंस, फिगर एट पुल, 2 किलोमीटर, 1 आवर वन वे इस साइड से। एक घंटे की लगेगी भाई। ये देखो ऊपर भाई, मैं देखो भाई ईवीजी ले लियो क्रिकेट राम राम। ऊपर ली साइड से नहीं, साइड से आओ भाई, यहां चलते हैं। और देख भाई फिशिंग कर रहे हैं वहां पे। अब आगे चल रहे फिगर 8 पे, ठीक है। जूते काट इसका हो रहा है नहीं, इसका कटा हुआ है। वो देखो भाई वेव्स देखो, वहां पे पहुंच के दिखाता हूं भाई। बीच पे मुश्किल लग रहा है ना चलने का, क्योंकि देखो भाई सैंड आया रजिस्ट कर रही है, हैं पर ट्रैक पे काफ़ी अच्छा था। चलो भाई थोड़े गिल्ले में चलते हैं, क्लोज टू द ओशियन। वहाँ पे वो देखो वो जा रहे हैं, वहाँ पे चलना है और फोटो वगैरह कर रहे हैं, फोटो वगैरह ले रहे हैं ये देखो। और अब तक भाई ट्रैक कोई मुश्किल लगा मेरे को, लगता जाते हुए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सब इनक्लाइन है, क्योंकि वहाँ देखो ऊपर से आए हैं जो आप दिख रही है, वहाँ से आके नीचे पूरा पूरा जैसे माउंटेन में ट्रैक बनाया हुआ क्रॉस करके फिर यहाँ पे आए हैं। और आगे चलते हैं अभी उधर, ये देखो यार ओशियन, मैं तो यार ओशियन देख के मज़ा आ रहा है यार बस। और भाई बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, और बड़े ही ध्यान से रॉक क्रॉस करनी पड़ रही है। और यार देखो कितनी बड़ी बड़ी यार इनको क्रॉस करना है, तो थोड़ा बी केयरफुल, पैर स्लिप हुआ तो गए सीधा गिरोगे और बहुत ज़्यादा चांस है चोट लगने के। और यहाँ पे अब आप ग्रुप्स में आओगे तो ही बेटर है, 3-4 का ग्रुप ही ना, ज़्यादा बंदों की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आ रही हैं भाई वेव्स काफ़ी, देखो जब वेब्स आएगी तब दिखाता हूँ। अब आने वाली है ये, देखो भाई ऐसी वेब्स आ रही है खतरनाक खतरनाक, आगे देखते हैं जाके क्या होता है। मैं तो सोच रहा था इसको क्रॉस करते ही होंगे, पर वहाँ पे बहुत आगे जाके है फिगर 8, बिल्कुल आगे जाके वहाँ पे चलना पड़ेगा। और ये रॉक स्लिपरी है काफ़ी, बिल्कुल ध्यान से जाना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं फिगर 8 पुल्स के, काफ़ी खतरनाक वेव्स आ रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी भाई, और तो पीछे रह गए। और ये देखो भाई, ये देखो भाई अभी नहीं आई, अभी आई थी भाई, मैं यहाँ पे खड़ा था थोड़ी देर पहले, बहुत तेज यार, मैं भी साइड आया भाग के। जैसे जैसे फिगर 8 के पास जा रहे हैं तो यहाँ पे इस एरिया में ड्रोन वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि एयर लैंडिंग का एरिया है 5.5 किलोमीटर के अंदर, तो यहाँ पे भाई ड्रोन वगैरह मत लेके आना, अगर उड़ाने पीछे उड़ा लेना क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। और अब मेरे को लगता है नीचे जाना पड़ेगा, अब चलते हैं नीचे, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के करनी पड़ रही है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है पर अच्छा एक्सपीरियंस है भाई अब तक, ऐसा कुछ खतरा नहीं है, कई डर जाते हैं भाई देखो ओशियन से, साथ में रॉक्स हैं, आराम से चलो ग्रुप में चलो और बढ़िया रहोगे। बस अब तो वहाँ जाने का ही मन है। और मेरी अभी बैठ गया भाई थोड़ी देर, थोड़ी थोड़ा सा खा लेते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि बस अब पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। रॉक्स में टाइम लग रहा है, बाकी पीछे तो आसान था, पीछे तो लग रहा था लोग बस पहुँच गए 20 मिनट, पर यहाँ पे 20 मिनट किया, 20 मिनट किया, 20 मिनट रह गए। कितना टाइम लगेगा और, क्योंकि इन पे आराम से चलेंगे ना इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी देखो अभी देखते हैं। हाँ आगे जाके फ्लैट सरफेस है जहाँ पे वो पूल्स हैं, देखो भाई नेचुरल है चीजें सारी, नेचुरल फिगर 8 पुल्स बने हुए हैं, नेचर देखो यार कितना अच्छा है, मतलब सारी चीजें कितनी अच्छी है।
तो पहले खाते हैं कुछ फिर चलते हैं आगे। हाँ मिलते हैं। फाइनली वी आर हेयर फिगर एट पूल्स। यू कैन सी द ओशन, यू कैन सी द माउंटेंस फ्रॉम हेयर एंड हेयर वी गो फिगर एट पूल्स। काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है भाई यहाँ पे। ये देखो एलगी लगी हुई है काई, ये डीप लग रहा है देखो काफ़ी। ये भाई बेस्ट फिगर एट, ये नेचुरल है भाई, ये मैन मेड नहीं है। बीच में कड़ा हो रहा है, जाकर देखो और दिखने लगा भाई। हाँ ये काफी डीप है देखो। नहीं नहीं ये काफी डीप है भाई, अगर आपको स्विम करना आता आप जा सकते हो। ये देखो भाई फिगर एट, इसकी थोड़ी शेप आपके और भी बढ़िया है, डीप नहीं आता ये, इसलिए मैं इसके ऊपर आगे कुछ नहीं जाती ना। बस प्रॉपर तो एक ही है भाई देखो वहाँ पे उस साइड, ये इतना प्रॉपर नहीं है बाकी तो। ये देखो डीप है काफी। चलो भाई चले, चलो भाई चलते हैं और भाई लेट्स गो। बाकी ट्रैकिंग का यार काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, स्विमिंग का ठीक ही ठीक है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। आ रहा था ना जैसे वो ईगल रॉक फॉर्मेशन, वो यार उस साइड तो कहीं दिखी नहीं, ठीक है मेरे को लग रही है वो वाली। बाकी आपको अगर किसी को पता हो भाई कमेंट करना कौन सी है, लग तो वही रही है। फिगर एट पूल्स हैं ये हैं वोलंगोंग की साइड है हेलनसबर्ग के पास, तो यहाँ पे विजिट करो काफ़ी अच्छा है। बट ये बोल रहा हूँ कि ये मत सोचो कि वहाँ पे पूल में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यार देखो नेचुरल है तो वहाँ पे ना प्लांट्स वगैरह भी अंदर और पेट्रोलिंग नहीं होती इन चीज़ों की यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे रहता ही है, कोई एलगी आ गई कुछ आ गया तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और बीच का पानी तो पता ही आपको सा होता है, सोल्टी होता है, काफ़ी खारा होता है, तो इस करके भी कुछ ज़्यादा मज़ा आया। बस ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी है, एडवेंचर है देखो डिफरेंट टाइप का, यहाँ पे रॉक्स आगे सैंड और फिर आगे दूसरे ट्रैक है और साथ में ओशियन है, तो इस चीज़ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे विजिट करो भाई। तेरे बैग में सर पानी मिलता है, पानी कपड़े वाला पोती ना, मेरा ना कपड़े वाला पोती ना। वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ट्रैक देख लो भाई, ठीक है। और क्योंकि देखो सारे यहाँ मतलब फॉरेस्ट है चारों तरफ, आगे जाके बीच में देखो सैंड से गए, ठीक है उसके बाद रोक थी और वापस आए, यार इतना टाइम नहीं लग रहा, थोड़ा फील तो हो रहा है जैसे इनक्लाइन है ना, बाकी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। 6 किलोमीटर की वॉक है 2 घंटे की, पर काफ़ी एडवेंचरस है, एडवेंचर पसंद है जिसको उनके लिए बेस्ट है ज़रूर। और सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला, गिरगिट, ठीक है अब तक, और बाकी छोटे छोटे थोड़ी सी रेप्टाइल्स वगैरह भी है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और इसका नाम है पाम जंगल, और वो थे देखो वो बीच मतलब सैंड जहाँ से वो लोग दिख रहे हैं वो क्रॉस करके आए थे, और आगे जाके वहाँ पे ठीक है ये वहाँ पे जाके पूरी रॉक्स क्रॉस करी, फिर पूरा ये ट्रैक कंप्लीट करके अब ज़्यादा नहीं बचा, मैं लगभग पहुंचने वाला हूँ भाई, और थोड़ी पीछे अभी दिख नहीं रहे यहाँ से तो, पर आ जाएंगे। चलो मैं चलता हूँ और माउंटेन्स का व्यू देखो। और मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ब्रेक ले रहा था यार, थक गया था काफ़ी, और मेरे बाद आया भाई देखो भाई, बाकी सारे पीछे रह गए। हाँ भाई महसूस हो रहा है कुछ भाई, महसूस तो होगा देखो इनक्लाइन है ना इस चक्कर में, और जैसे गर्मी भी तो है और कुछ भाई, मेरे को भाई ने बैग मेरे को दे दिया, काफ़ी फर्क पड़ गया देखो। अभी रह गई ये कुछ स्टेयर्स, हाँ हाँ बस पहुंचने वाले हैं अब तो भाई मेरे को लगता है 5-10 मिनट का ही रह गया, चलो चलते हैं ठीक है। वापिस आ गए भाई, होगी ट्रैकिंग ख़त्म, एक वर्कआउट हो गया बढ़िया, एंडोरेंस पूरी बॉडी का और थाई का कैसा हुआ वर्कआउट वो कल सुबह पता लगेगा। देखो भाई बकड़ी गाड़ी ठीक है पहुँच गए,
और अब तो बस गाड़ी में बैठने का मन कर रहा है, फटाफट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, प्यास लगी बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, कैसा था एक्सपीरियंस? बढ़िया भाई, सारे भाई आइयो विजिट करना, ठीक है। बस वो पूल का मैंने बोला, वो बनाने का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, बट एक्सपीरियंस बढ़िया, देखो आना चाहिए। और यहाँ पे हमने पार्किंग की टिकट ली थी, मतलब $12 की। यहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर डाल लो और अपने आप टिकट डन हो जाती है, ठीक है। 12 घंटे ही थे मेरे ख्याल से, रात को 12 बजे तक की। लेट्स गो बैक भाई, घर ही चलेंगे यार। अब ट्रेन क्लिफ जाने का, सी क्लिफ ब्रिज जाने का मन था, पर अभी कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट टाइम चलेंगे आराम से, थक गए यार सभी। ड्रिंक्स लेते हैं, चलो। डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, लिक्विड लेते रहो, ड्रिंक्स लेते रहो। इस व्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।